भगत महासभा पंजाब की ओर से सुजानपुर में प्रेस वार्ता रोशनलाल भगत स्टेट कोऑर्डिनेटर द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले नवप्रीत, उम्र 15 साल, जो कि 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, पिछले लगभग 8 दिन से स्कूल से गायब है। स्कूल प्रबंधन की ओर से थाना कानवा में शिकायत देने के बावजूद अभी तक कोई सुराग ना मिलने पर भगत महासभा ने कड़ा एतराज जताया है। वहीं चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर जल्द लड़के का पता ना लगाया गया तो रोड जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं लापता लड़के के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने फोन पर भी कई बार स्कूल द्वारा तंग वे परेशान करने की बात कही थी। मेरा बच्चा सेमी क्लास तो 8वीं तक पढ़ रहा था नवोदय वाले स्कूल, तो उस मंगलवार 5 तरीक तो गैप हो गया, तो अभी तक फोन किया तो वनू पता चला, तो अं जहाँ पे वाके आए स्टेशन बस स्टैंड सब देख लिया, तो नवोदय स्कूल में आए हैं तो वो कहते हैं अभी ऐसा ऐसा हो गया कि कहीं भाग गया, तो ऐसे कंध टपी है तो दौड़ गया, अभी तक मिला नहीं है बच्चा। 5 तरीक को गया पे है, तो स्कूल की जिम्मेवारी बन गया, स्कूल वाले स्कूल सानू आला टाला करके परेशान करते हैं, हर वक्त तुम लभो दौड़ो, स्कूल अगे और पुलिस अगे साड़ी मांग है कि साडा बच्चा लब के देता जाए। तो कंप्लेन की पुलिस स्टेशन? हाँ जी, उसे स्कूल के नाल ही हुई। मैं रोशनलाल भगत स्टेट कोऑर्डिनेटर भगत महासभा पंजाब जी। साडा लड़का नवप्रीत, उम्र 15 साल, जिहड़ा कि नवोदय विद्यालय नाजोचक विखे 8वीं क्लास के पढ़ता सीगा, और मिति 5/2/2019 तो उस स्कूल दे विचो गुम हो चुका है, जिदी रिपोर्ट असी थाने दे चुके हैं, पर 8-9 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने हाले तक कोई कार्रवाई नहीं की, और जिहड़ा बच्चा गुम होया इहदी सारी जिम्मेवारी जिहड़ी आ नवोदय विद्यालय नाजोचक प्रशासन की हैगी आ, और अगर जो उतों बच्चा गुम हुंदा आ तां उह जिम्मेवारी निभाउंदा होया उहनां नूं उहदा पूरा ख्याल रखना चाहीदा सीगा। इहदे विच पूरी दी पूरी प्रशासन की अणगहली हैगी आ, और इह वी वेखण विच आया आ कि उस बच्चे नूं उत्थे तंग परेशान किया जाता सीगा प्रशासन वालों भी, और 6-7 महीने पहला बच्चों का उहदे नाल झगड़ा होया सी, और वो बच्चे भी उन्होंने कुटते मारते, जिस करके उन्हें फोन पर अपने घरदियों नूं मापियां नूं दस्या, तो बच्चा जिहड़ा बहुत सहमया और डरिया होया सीगा। असीं ये प्रशासन नूं कहने आ कि अगर क्योंकि असीं थाने दे विच रिपोर्ट दे चुके हाँ, पर प्रशासन वालों पुलिस प्रशासन वालों हाले तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, अगर एक हफ्ते के विच उस बच्चे ना लभ्या गया जां प्रशासन वालों पूरी तह दिल दे नाल इनक्वायरी ना की गई, तो असी पंजाब स्टेट दियां जिन्नियां भी भरातरे जथेबंदियां ने और आल इंडिया भगत महासभा वालों और सतगुरु कबीर मंदिर सुजानपुर वालों सारिआं वालों, क्योंकि ये बहुत वड्डी गल है, छोटी गल नहीं है, भरातरी जथेबंदियों नूं ला के प्रशासन के खिलाफ जिहड़ा असीं जिहड़ा धरना लावांगे, अगर फिर भी प्रशासन साडी गल नहीं सुनता तो जे सानू सड़कां भी डकनियां पईआं तो असीं सड़कां भी डकांगे, और लंबा चौड़ा संघर्ष करन वास्ते असीं मजबूर होवांगे। अगर बच्चा नहीं लभ्या जांदा तां सारी दी सारी जिम्मेवारी जिथे स्कूल प्रशासन दी आ उत्थे जिला प्रशासन दी पुलिस प्रशासन दी पूरी जिम्मेवारी बनदी आ, क्योंकि बच्चे दे मापे जिहड़े आ बहुत परेशान हैगे आ, जिहड़ी माता है वह अज तक रोटी नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही, और बेहोशी दी हालत विच जिहड़े दिन गुजार रही आ, तो क्योंकि उन्होंने सारे रिश्तेदारों के घूम के पता करा लिया, बच्चे का कोई पता नहीं लग रहा, इस करके जिम्मेवारी है प्रशासन की कि उन्होंने लभण की कोशिश की जाए।